वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्षराज सिंह ने आज मेवाड़ के प्रमुख कृष्णधाम भगवान सांवरिया सेठ की नगरी पहुंचकर सांवरिया सेठ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। लक्षराज सिंह ने हेलीकॉप्टर से सांवरिया उपजिला चिकित्सालय परिसर में हेलीपैड पर लैंड किया और मंदिर पहुंचकर राजभोग आरती में शामिल हुए। पुजारी राधेश्याम वैष्णव ने तुलसी पत्र एवं चरणामृत एवं प्रसाद भेंट किया है। वेद विद्यालय के छात्रों ने तिलक लगाकर उनका अभिवादन किया। इस मौके पर सांवरिया मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष भेरू लाल गुर्जर, मावली विधायक पुष्कर डांगी, हनुमान सिंह बोईडा, मंदिर मंडल के सदस्य अशोक शर्मा, ममतेज शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी नंद किशोर टेलर, सूरजमल पाटीदार आदि उपस्थित थे। सर, हर चीज को जो है वो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि उसको राजनीति से जो है वो नहीं जोड़ा जाए, या मंदिर के अंदर जो है वो दर्शन करने के लिए आए। और मेरी बड़ी इच्छा थी और सांवरिया सेठ का जो है वो बुलावा भी आ गया, इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकता था। और बड़ी खुशी है जिस तरीके से जो है लोगों ने भी जो है वो मुलाकात करी, जिस तरीके से दर्शन हुए। मैं अभी राजनीतिक गलियारे में जैसे ही आपका कोई दौरा होता है राजनीतिक गलियारे में कुछ ना कुछ चर्चा होती है। जी ऐसा मैंने भी सुना है। तो क्या इसमें कितनी सत्यता मानी जाए? हालांकि वो सिर्फ एक कयास होते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल, मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ कि ये गलियारे हैं कि सबसे पहली बात तो। पर इसके ऊपर तो मैं क्या कहूँ साहब, मतलब जो है वो मैं यहाँ आया दर्शन के लिए आया, बाकी और इसके अंदर कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मुख्य कार्यक्रम तो कन्नौज का माना जा रहा है। जी जी जी। तो उससे अगर ये नॉर्मली अगर अपन बात करें तो वो सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम है। जी। लेकिन चूंकि लोकसभा का भी बिगुल बच चुका है। जी। तो हमेशा यही कयास लगाया जाता है कि तो लोकसभा सीट के लिए आपकी कोई इच्छा है। देखिए मेरे पूर्वज की मूर्ति का जो है वो अनावरण है, जिसको हम लोग सब चाहते हैं, जो सब हमारे सबके आदर्श हैं। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ऐसी एक शख्सियत है, ऐसी सोच है जो सबके प्रेरणा स्रोत है। तो देखिए तो हम एक मूर्ति अनावरण के लिए जा रहे हैं, अब लोग इसके अंदर चीज़ों को जोड़े, राजनीति डालें, अन्य और चीज़ों को जो है डालने की कोशिश करें, और कुछ प्रयास रोकने की भी जो है वो किए जाते हैं। तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो है उठा पटक जो है वो एक ज़िंदगी का, मैं एक मानता हूँ केवल राजनीति का नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक दौर है, एक वक्त है जो चल रहा है। बड़ा अच्छा है, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और जो चाहने वाले हैं, जो प्यार करने वाले हैं, जो साथ में रहने वाले हैं, उनसे जो है वो और करीबियत जो है वो जुड़ती है। और ये हमारा सौभाग्य है कि एक और मूर्ति का जो है वो अनावरण होने जा रहा है, जो आने वाले समय के अंदर हमारे युवाओं को, हमारे क्षेत्र को जो है और कहीं ना कहीं जो है वो बल देने का काम करेगी। स्मारक का समिति जो कर रही है जी, वो एक अनुकरणीय पहल कर रही है जी, लेकिन हम सरकार से भी कुछ इच्छा रखते हैं कि सरकार भी कुछ प्रोफेसर्स। अब बिल्कुल देखिए, आज की तारीख में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हम सब युवाओं का, हम सब लोगों का कर्तव्य और धर्म बनता है। देखिए सबसे पहले तो हम अपने आप को जो है वो अनुशासनिक करें, हम सबसे पहले अपने आप को जो है अनुशासन के अंदर लेकर आए, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा स्रोत हमारे लिए है, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी दायित्व हमारा भी बनता है। तो वो हम लोग ये काम नहीं करें कि हमारी जिम्मेदारी किसी और के माथे डाल दें, किसी और कहीं और सरकार दें, ये आसान काम जो है वो हम लोगों को नहीं ढूंढने चाहिए। जैसे लोगों ने जो है इस प्रकार से काम किया, कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आज आप देखिए कि 10 वर्ष पहले कितने लोग जागरूक थे, अब कितने लोग जागरूक हैं, 5 वर्ष पहले और आज की तारीख में कितनी ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेकर जागरूकता जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि लोग इस चीज़ के अंदर, अपनी संस्कृति के अंदर, अपने धर्म के अंदर, अपने जो जड़े हैं उसके अंदर जो है आज की तारीख में जो रुचि ले रहे हैं, ये बड़ी बड़ी खुशी की बात। और यही उद्देश्य भी यही है, लोग अपनी संस्कृति के प्रति पुनः वापस जो है वो कहीं ना कहीं लौटे। आज मंदिर के अंदर भी जो है वो बटूक जिस प्रकार से उन लोगों ने जो है वापस अपनी संस्कृति को जो है वो अपना है, गुरुकुल के अंदर जाना है, देखिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी खुशी की बात है। देखिए मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ कि क्या कहते हैं कि जो लोगों ने दिलों में जो है जो जगह दे रखी है, उस चीज को लेकर मैं बहुत बहुत उन सब लोगों का जो है धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। राजनीति से इस दौरे का कोई संबंध नहीं। सर एक चर्चा भी है कि लक्षराज सिंह जी बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, क्या मामला सर, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि बस ये चर्चा हमने भी सुनी है, उसके अलावा जो है वो मैं और इसके ऊपर ज़्यादा कुछ खास मेरे पास कहने के लिए है। आज चित्तौड़ जिले में सांवरिया सेठ में हेलीकॉप्टर के द्वारा आप दौरा कर रहे हैं, इसका मायने क्या है सर? देखिए आज 3 कार्यक्रम हैं,
तो तीन जगहों के ऊपर पहुंचना था, तो इसके अलावा और कोई दूसरा व्यवस्था और साधन हो नहीं पाती जहाँ तीन जगहों के ऊपर इतने कम समय के अंदर जो पहुंचने की जो आज का जो पूरा दिनचर्या जो बना था वो बहुत ही मतलब समय को लेकर बहुत ही टाइट शेड्यूल था, तो इस वजह से जो तो